हाय एवरीवन, कैसे चल रहा है बाकी? आई होप आप लोगों ने डिप्रिसिएशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देखे होंगे और हमने दो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स कवर किए, बट अभी तक हमारा स्टिल इंट्रोडक्शन बाकी है। काफ़ी कुछ उसमें से थ्योरी पढ़ना बाकी है, काफ़ी कुछ उसमें से कवर करना बाकी है। एवरीवन विद मी, कर दे शुरू, चलेगा? चलो। सो हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक देखा है कि थ्योरी के अंदर डिप्रिसिएशन चैप्टर का हमने सबसे पहले बैकग्राउंड लिया था, AS10 का थोड़ा रेफरेंस लिया था, उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा, उसके भी डिटेल में मैं आऊंगा। और उसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से डिप्रिसिएशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया जो हम ग्रेजुअली चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, आपको एक चीज ध्यान में जरूर आई होगी कि डिप्रिसिएशन चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो हमने कल के लिया, दैट इज प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, जब पर हमने ये समझा था कि हम आखिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके क्या असेट की जो वैल्यू लाई जाती है उसके मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट होती है? द आंसर इज नो। आप असेट में से डिप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हो? तो डिप्रिसिएशन माइनस करने की एक ही मेन वजह है, वो मेन वजह क्या है? कहीं ना कहीं पर आप असेट को कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द ईयर, जितने सालों तक आप असेट को यूज करने वाला हो, उतने सालों के लिए असेट को डिप्रिशिएट करना चाहते हो, राइट? वो डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको याद है हमने पहले बात किया था कि हमारा पहला पॉइंट जो आता है इस चैप्टर में, जो पहला एरिया जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पहला एरिया क्या है? दैट इज बेसिक्स पढ़ने वाला है, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने वाला है। बेसिक्स कहते हैं, आई कॉल इट एज अ बेसिक, दैट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट जो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस सम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। बट उसके ऊपर आने से पहले बेसिक्स में आपको याद होगा कि हमने एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ने शुरू किए थे और उस बेसिक में जो पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना शुरू किया था, अगर आपको याद होगा तो हमने इंट्रो देखा था सबसे पहले, याद है? फिर सेकेंड पार्ट में मैंने पेंडिंग रखा था और हमने थर्ड पार्ट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। आई होप सबने इधर तक की थ्योरी पढ़ ली होगी, बढ़ू में आगे। अब हम जा रहे हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, दैट इज कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन। अभी तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको मेरे लिए ऐसा नाम दिया, ऑब्वियसली मैंने वैसा नाम नहीं है, पर मैंने पर्पस के इसको ऐसा नाम दिया ताकि हमें समझने के लिए इजी जाए। मैं इसे कहता हूँ कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन। अभी क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। यार होता ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, मेरा पॉइंट समझ दो बेटा, जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे आज तक हमारा लॉजिक क्या है, हमने जो पढ़ा है, हमारा जितना अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज लेवल है, कि हम जब भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बेसिक लॉजिक होता था, हम कोई असेट खरीदते थे। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 लाख रुपए का असेट खरीदा, वो असेट खरीद के उसके ऊपर मैंने क्या कैलकुलेट किया, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और डिप्रिसिएशन माइनस करके उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर बुक वैल्यू जो आ जाती थी, दैट इज आफ्टर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, उसको बुक में रिकॉर्ड करते थे या वो बैलेंस मेंटेन रहता था, और हर साल उस बुक वैल्यू पे आगे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाते थे। याद आ रहा है सबको ऐसा? सो दिस वाज आवर बेसिक स्टोरी, कि हम हर साल एसेट के ऊपर क्या किए जाते थे, डिप्रिसिएशन निकालते जाते थे हर साल के साथ, ये पता है सबको ऐसा। पर डिप्रिसिएशन किस पे निकाला जाता था? असेट पे। आपने देखा हम मशीनरी खरीदते थे तो मशीनरी सिर्फ एग्जाम्पल 10 लाख की खरीदी, हम बोलते थे यार मशीनरी खरीदने के लिए जो उसके ऊपर खर्चा लगा वो हम उसके कॉस्ट में ऐड करते थे, और ऐड करके जो वैल्यू आती थी असेट की उसके ऊपर हर साल थोड़ा 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 डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाते थे। ऐसे था क्या? तो जो हमारा स्टोरी था बेसिक, उसमें मेन पिक्चर का हीरो कौन है? असेट है, ये सबको समझता है। अब मेरा डिस्कशन अब जो मैं करने जा रहा हूँ इस असेट के ऊपर थोड़ा करने जा रहा हूँ, कि जो तेरा असेट था जिस तरह जो तुमने देखा था, वो असेट में क्या होता था? तू असेट लेता था, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, मोटर व्हीकल लिया आपने, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को खरीद लिए, आपने उसके ऊपर क्या कैलकुलेट कर देगा हर साल थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएशन। ये बरोबर ऐसा हुआ है क्या? बट मेरी बात समझना बेटा, बट अगर काफ़ी बार ऐसा होता है, सुनना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब तू कोई असेट खरीदता है एज अ होल, तो तू उस पूरे असेट को डिप्रिशिएट करता था किसके बेसिस पे? उसकी लाइफ के बेसिस पे। सिर्फ एग्जाम्पल, तूने एक मशीनरी खरीदी तो तू बोलेगा यार ये मशीनरी की लाइफ 10 साल है। तूने मोटर व्हीकल खरीदा तो बोलता नहीं यार मोटर व्हीकल है, ट्रक खरीदी से फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी वैन खरीदी तूने छोटी कोई गाड़ी डिलीवरी करने के लिए, इसको अपन मोटर व्हीकल कहेंगे, ये तो खरीदेगा तो बोलेगा इसकी लाइफ 8 ईयर्स है, और फिर तो 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो भी तो लाइफ एस्टिमेट कर रहा है, उस लाइफ के हिसाब से तो उस एसेट पे क्या कैलकुलेट करेगा? डिप्रिसिएशन।
तो क्या बोलेगा ये एसेट मैंने जितने साल के लिए खरीदा है उतने साल के लिए मैं एसेट को क्या करता जाऊंगा, डेप्रिशिएट करता जाऊंगा। ऐसा ही हुआ है, अपना इंट्रोडक्शन भी यही था। अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब समझ। अब जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आज तक पहले कभी नहीं हुआ करता था, जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज नहीं हुआ था, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो नया आया, जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आया है, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जब नया आया तब ये कॉन्सेप्ट लाया गया। मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ लाया गया, ये कॉन्सेप्ट फॉरेन स्टैंडर्ड से अडेप्टेड है। इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, फॉरेन के स्टैंडर्ड्स में कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को अपडेट किया गया, रिवाइज किया गया, तब ये कॉन्सेप्ट फॉरेन से इंडिया में लाया गया। क्या कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिल थाम के बैठे हैं हमारे ऑडियंस, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा नहीं है, जिस प्रोस्पेक्टिव से, जिस एंगल से हमने कभी थॉट नहीं दिया आज तक। क्या है ये कॉन्सेप्ट यार? नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप कोई असेट खरीदते थे, हम क्या करते थे, जो असेट बाय करते थे हम लोग, याद है आप सबको, जो असेट बाय करते थे, हम असेट बाय करके उसकी क्या ज़ूम कर लेते थे, लाइफ ज़ूम कर लेते थे। हमें लगता था, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, अब अगर मैं मोटर व्हीकल खरीद रहा हूँ, मोटर व्हीकल की लाइफ में ज़ूम कर ली 10 ईयर्स, राइट। और फिर हम एसेट की जो भी वैल्यू होती थी उसको अपने 10 सालों में थोड़ा थोड़ा करके क्या कर लेते थे, डेप्रिशिएट कर लेते थे। पर अगर मैं मोटर व्हीकल खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रक खरीदी, अब प्रॉब्लम ये है अकाउंट्स, जो नया कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का ये कहता है कि बेटा जब तूने असेट की लाइफ 10 साल अज्यूम की, वापस समझ, जब तूने असेट की लाइफ 10 साल अज्यूम की तो पूरा असेट थोड़ी 10 साल चलेगा। जब तू बोलता है कि तेरी ट्रक की लाइफ 10 साल है, तो ट्रक की लाइफ 10 साल अगर, तो ट्रक मतलब क्या, तो एक्चुअली ट्रक नहीं कह रहा है, तू बोल रहा है ट्रक के अंदर का जो इंजन है उसकी लाइफ 10 साल है। तेरे को लगता वो जो असेट है वो असेट मतलब ट्रक जो है उसके अंदर टायर भी है, बाकी बाहर की उसकी जो चेसी होती है, बाहर का जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी है, उसके लगने वाले ग्लासेस भी है, हेडलाइट्स भी है, आ रहे समझ में? तो क्या हर कोई चीज, क्या टायर भी, क्या हेडलाइट्स भी, सब 10 साल तक चलने वाले हैं क्या, कि सबकी लाइफ 10 साल है? द आंसर इज नो। तो होता ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब कहता है कि जब आप कोई असेट खरीदते हो और जब आप असेट की सीधा क्या अज्यूम कर लेते हो, लाइफ अज्यूम कर लेते हो, तो प्रॉब्लम ये है कि आप जब पूरे असेट की लाइफ अज्यूम कर रहे हो तो उस असेट के अंदर जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट समझ में आ रहे हैं, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उसकी लाइफ नहीं होती 10 साल, या वो सेम लाइफ के नहीं रहेंगे। तो जब आप एक पूरा बड़ा असेट लेते हो तो उस असेट के अंदर के हर एक आइटम की लाइफ असेट के लाइफ जैसी नहीं रहेगी। मे बी उसमें जो टायर्स हैं उसकी लाइफ शायद सिर्फ 3 इयर्स रहेगी। तो जो तुमने ट्रक नाम का असेट लिया उसके अंदर अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है, किसी की लाइफ 10 साल रहेगी, किसी की 3 इयर्स रहेगी, किसी की 2 साल रहेगी, किसी की 1 साल रहेगी, किसी की 5 साल रहेगी, इजंट इट सो? तो तेरे एक असेट के अंदर जब बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स से बना रहता है असेट, तो हर एक कॉम्पोनेंट की देखो नहीं लगता लाइफ अलग अलग होगी। तो अगर तू पूरे असेट से, फॉर एग्जाम्पल तूने ट्रक खरीदी, से फॉर एग्जाम्पल तूने ट्रक खरीदी 30 लाख रुपीज की, तो 30 लाख रुपीज की ट्रक को अगर तू पूरे 10 साल के लिए डेप्रिशिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया, क्योंकि उस 30 लाख रुपीज की जो तूने ट्रक खरीदी उसके अंदर तूने टायर्स जो थे उसके लिए भी पे किया रहेगा। 30 लाख इंक्लूड टायर्स का कॉस्ट, 30 लाख इंक्लूड से फॉर एग्जाम्पल तूने जो ये 10 ईयर्स पकड़ी थी लाइफ, ये तूने इंजन भी पकड़ी थी, तो जो तेरा इंजन था उसकी भी लाइफ रही होगी कुछ, तो इंजन की अलग लाइफ रही होगी, टायर की अलग लाइफ रही होगी, सब चीजों की अलग अलग लाइफ रही होगी। और जो तुमने असेट खरीदते हो, जो अमाउंट पे की थी, वो अमाउंट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ टायर ऑल्सो, वैल्यू ऑफ इंजन ऑल्सो, एंड वैल्यू ऑफ अदर पार्ट्स, हर एक पार्ट का मिला के तुमने वैल्यू पे करके वो खरीदा है, इजंट इट सो? नहीं लग रहा? तो अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो कहता है कि जब आप कोई असेट खरीदते हो और असेट के अंदर के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, अगर अगर आप उनकी अलग अलग वैल्यू करो और अगर आपको पता है उनकी लाइफ अलग अलग है, तो तुमने उनको एज अ अलग अलग असेट पकड़ के उसको डिप्रिशिएट करना। मार्क माय वर्ड्स, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझ आ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? ये कहता है, अब जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये कहता है कि अगर तेरा असेट है, असेट असेट के अंदर अलग अलग क्या है, कॉम्पोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स हैं जिनकी लाइफ अलग अलग है, राइट, तो
तो तूने अलग लाइफ किसको अलग कर देना, मतलब अलग अलग लाइफ के हिसाब से असेट को क्लासिफाई करना, और हर अलग पार्ट ऑफ असेट को तूने उसके लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट करना। जैसे रफली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ एग्जांपल 30 लाख में से तेरी जो ट्रक थी उसके इंजन और बेसिक ट्रक का प्राइस 27 लाख था, और 3 लाख जो था वो प्राइस पे टायर्स का था। तो तूने इंजन मतलब जो तेरा बेसिक गाड़ी था मशीन जो था और बाकी सब पकड़ के उस ट्रक की वैल्यू 27 लाख थी, बट जो तेरा टायर है टायर की वैल्यू कितनी थी 3 लाख थी, और टायर्स की लाइफ कितनी है 3 इयर्स है। तो इस 3 लाख को तूने 3 इयर्स के लिए अलग से डिप्रिशिएट करना, और ये 27 लाख रुपए के इंजन को 10 साल के लिए अलग से डिप्रिशिएट करना। मतलब तू टायर को एज इफ एक अलग असेट पकड़ेगा और उसके बेसिक इंजन और बाकी चीजों को अलग एसेट पकड़ेगा, इवन दो टुगेदर बोथ कंप्राइज अ सिंगल एसेट दैट इज अ ट्रक। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कुछ समझ में? अब दो मिनट समझ, मेरी पॉइंट समझ। इसका एग्जांपल आप थोड़ा बेसिक एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो, जैसे आपकी पेन। सो फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपीस की एक बॉल पेन खरीदी। अब जब आपने 10 रुपीस की पेन खरीदी, तो 10 रुपीस के पेन के अंदर पेन का भी वैल्यू इंक्लूडेड है पहली बात, और उसके अंदर जो रिफिल मिली आपको पहले से उसकी भी वैल्यू इंक्लूडेड है। अब जो तेरा बाहर का पेन का स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ अलग होगी, और अंदर जो रिफिल है उसकी लाइफ अलग होगी। दोनों कंपोनेंट्स, एक पेन के अंदर दो कंपोनेंट्स आ गए, एक रिफिल आ गया और एक बाहर का पेन का स्ट्रक्चर आ गया। तो मैं दो मुद्दों पर डिस्कशन कर रहा हूँ। पहली चीज, व्हेन यू पे फॉर अ पेन, एक सिंगल पेन के लिए जब तू पे कर रहा है तो तेरे प्राइस में दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। पहला पॉइंट सबको समझता है, सब मानते हैं कि एक सिंगल पेन के वैल्यू के अंदर आप दोनों वैल्यूज पे करोगे। दूसरा पॉइंट को समझता है कि दो अंदर के जो अलग अलग कंपोनेंट है उसकी लाइफ अलग अलग होगी। तो तू पेन को अलग पीरियड के लिए समझो, तूने 7 रुपीज पेन के स्ट्रक्चर के लिए दिया और 3 रुपीज उसके रिफिल के लिए दिया, जो अंदर रिफिल यूज कर रहा है तू, तो जो पेन है वो अलग पीरियड के लिए डिप्रिशिएट होगी और 3 अलग, क्योंकि दोनों की लाइफ क्या है अलग है। आ रहे हो समझ पक्का? अब ये होने के बाद आपके मन में मेरे को पता है बहुत डाउट जा रहे, रुक जा, अरे रुक ना, हाँ हाँ पीछे वालों सब लोग रुको, आ रहा। आपके मन के हर एक डाउट मुझे पता है क्या आने वाला है, एक एक करके डाउट पे आते हैं। बेटा देखो, नहीं लगता सबसे पहले तेरे मन में क्या डाउट आ रहा होगा? सर इसका मतलब तो अपन क्या हर एक अलग अलग चीज का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते बैठे? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि तू हर छोटे छोटे पार्ट का अलग करते बैठेगा डेप्रिसिएशन। सुन अब मैं क्या कह रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोलना क्या है। व्हेन यू बाय एन एसेट, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी असेट इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। हर एक असेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और वो मिलकर पार्ट्स होते हैं और वो मिलकर वो एक सिंगल बड़ा एसेट बनता है। ये तो सबको लगता है, सब मानते हैं ये बात। व्हेन यू बाय एन असेट एंड इफ एनी कंपोनेंट ऑफ दैट असेट, अगर कोई असेट का जो एक कंपोनेंट है विच कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, अगर आप उस असेट को अलग से कंपोनेंट बना सकते हो और यू कैन आइडेंटिफाई इट्स कॉस्ट एंड इट्स लाइफ सेपरेटली। अगर आपके कोई असेट के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो मटेरियल कंपोनेंट है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और अगर उस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तुम लाइफ और उसका जो मेन टोटल कॉस्ट में उसका कितना एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उस कंपोनेंट रिलेटेड कितना कॉस्ट पे किया आपने टोटल असेट के कॉस्ट में, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करने के लायक बनना है। एक, बड़े असेट में कितने कंपोनेंट्स हैं, उसमें से मटेरियल कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसकी प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, टोटल कॉस्ट उसकी अमाउंट कितनी है। पहली चीज आपको ये एबल होने चाहिए आप समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी चीज, वो जो अलग कंपोनेंट आप बोल रहे हो सेपरेट इन दैट एंटायर असेट, पूरे असेट की लाइफ और उस कंपोनेंट की लाइफ अलग है। अगर से फॉर एग्जाम्पल टायर की भी लाइफ 10 साल होती है, इंजन की भी लाइफ 10 साल होती है, तो भाई मैं अलग अलग डिप्रिशिएट करके क्या हासिल करूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कंपोनेंट की क्या होनी चाहिए बेटा, लाइफ शुड बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द लाइफ ऑफ दी अदर कंपोनेंट्स ऑफ दी असेट। मतलब तू ये कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन कब करेगा, दो असेट को अलग अलग, असेट के अंदर के दो कंपोनेंट्स को अलग अलग करके कब डिप्रिशिएट करेगा, दो चीजें। अगर वो कंपोनेंट की तो अमाउंट ढूंढ पा रहा है टोटल वैल्यू ऑफ दी असेट के अंदर, और वो मटेरियल होना चाहिए, छोटा मोटा थोड़ा बहुत वैल्यू नहीं चाहिए अपने को। जैसे मैंने आपको ट्रक के एग्जांपल में हेडलाइट का भी एग्जांपल दिया, अब 30 लाख के ट्रक में उस हेडलाइट की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 5000 रही होगी, 15000 रही होगी, से फॉर एग्जांपल 30000 रही होगी, बट 30 लाख के असेट के सामने वो ट्यूब हेडलाइट जो आती है उसकी वैल्यू अगर 30000 तो बहुत कम है।
तो इवन तो मैं उसकी वैल्यू अलग से ढूंढ पा रहा हूं, पर मैं उसको अलग से डिप्रिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि असेट के अंदर वो वैल्यू इतनी मटेरियल नहीं है। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो ये जो मैं कह रहा हूं कि आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, बट कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात चल रही है? कॉम्पोनेंट वाइज। आज तक हम डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते थे? पूरे एक असेट को उठाते थे, उस पूरे असेट की लाइफ देखते थे और उस लाइफ के ड्यूरिंग में उसको डिप्रिसिएट कर लेते थे। लिंक लगा पा रहे हो? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्या है। आज तक हम असेट को एक ही असेट पकड़ते थे, उसके अंदर के कंपोनेंट्स को नहीं देखते थे, और उस पूरे असेट में जो एक मेन कंपोनेंट होता है, जैसे ट्रक के अंदर में एक इंजन हो गया, कोई मशीनरी के अंदर उसका मेन अंदर का पार्ट हो गया, हम उस पार्ट की लाइफ एस्टिमेट करते थे और उसकी लाइफ जितनी भी रही होगी उतने पीरियड में उसको डिप्रिशिएट कर लेते थे। आज तक ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब आप कोई असेट खरीदोगे तो उस असेट के अंदर के आपको कॉम्पोनेंट्स को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, और आपको समझना है कि वो कंपोनेंट मटेरियल वैल्यू का होना चाहिए। हर छोटे छोटे, ऑब्वियसली एक मशीन एक ट्रक में तो हजारों छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, तो ये चिंदीगिरी नहीं करने की। अपने को पता है अपना अकाउंट्स क्या बोलता, बोले तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो अगर तेरे बड़े असेट के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट है पर तू उनमें से मटेरियल कॉम्पोनेंट को अलग करेगा जो एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, दूसरी बात जिसकी तू वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता है टोटल कॉस्ट के अंदर उसके रिलेटेड अमाउंट कितना है, और तीसरी बात तू उसका लाइफ अलग एस्टिमेट कर सकता है, और लाइफ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए बच्चे हुए असेट। क्योंकि अगर उस कॉम्पोनेंट को तूने अलग भी अज्यूम किया, उसकी वैल्यू भी तूने अलग ढूंढ ली, बट अगर उसकी लाइफ और मेन असेट की लाइफ सेम है तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उतने पीरियड में डिप्रिशिएट होने वाला है। तो अगर उस असेट के अंदर के कॉम्पोनेंट की लाइफ को तो अलग से एज्यूम कर पाता है, अलग से पता कर पाता है, तो उसको तो अलग से डिप्रिशिएट करेगा और बच्चे हुए असेट को अलग से डिप्रिशिएट करेगा। जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होंगे, जैसे मैंने आपको हेडलाइट बोला, ये बोला, वो कॉम्पोनेंट्स को आप अलग नहीं करोगे, उसको आप मेन असेट की जो मेन पार्ट, जैसे मैं ट्रक में मैंने एग्जाम्पल इंजन, उसके वैल्यू में मे बी इंजन की वैल्यू 27 लाख नहीं रहेगी, इंजन की वैल्यू कम रहेगी, बट बाद में जो छोटे छोटे बाकी के सारे पार्ट्स हैं उसको मैंने मेन इंजन की वैल्यू में ऐड करके उसको नॉर्मल डिप्रिसिएशन कर लिया, जो अपन लॉजिकली आज तक करते आ रहे हैं, राइट। सो जो मटेरियल कंपोनेंट है उसको अलग किया, उसकी लाइफ अलग से एस्टिमेट की, और जब मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मैं इसको एज ए ट्रक इंजन अलग एसेट पकड़ लूंगा और ट्रक टायर्स अलग एसेट पकड़ लूंगा और उसको अलग से डिप्रिसिएट करूंगा। आ रहा है समझ? अब तू बोलेगा सर ये कितना इलॉजिकल, कितना पंचर कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं बेटा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट सच में काम आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी एयरलाइन कंपनीज से फॉर एग्जांपल, हमारी एयरलाइन कंपनीज हैं, अपन किंगफिशर एयरलाइन के एग्जांपल नहीं लेंगे, ज़्यादा होगा मत बोलो, अपन एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, राइट, एयर इंडिया, हाँ ये पहले बोलोगे ठीक है, चलो अपन एयर इंडिया के पॉइंट से बात करें, फिलहाल के लिए तो जिंदा अभी तक खत्म नहीं हुआ, चल रहा है फिलहाल, लॉकडाउन के वजह से सभी ग्राउंडेड है, बट एयर इंडिया इज अ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन प्लीज एट प्रेजेंट, बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में, क्या हो जाएगा कल जाके पता नहीं। एयर इंडिया की बात करूं, एयरलाइन ऑपरेटर है, आई होप आपको समझता है, एयरलाइन ऑपरेटर वो होता है जो एयरलाइंस घुमा ऑपरेट करता है। एयरलाइंस में एक और एक कंपनी होती है मैन्युफैक्चर, जैसे बोइंग अगर आपने नाम सुना रहेगा, जो एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करती है। अब अगर मैं एयर इंडिया हूँ, मैंने बोइंग जो कंपनी है जो एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करती है उससे मैंने एक एरोप्लेन खरीदा, राइट। अब दो मिनट समझो, जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल लिया और सब छोटा सा एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब जब मैंने एरोप्लेन खरीदा तो आप सबको नहीं लगता, जब मैं एरोप्लेन का, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एरोप्लेन आया आपका 15 करोड़ रुपीज का, छोटा वाला एरोप्लेन रहेगा, तो मैंने एक असेट एरोप्लेन खरीदा 15 करोड़ रुपीज का, राइट। अब जो 15 करोड़ का मैं एरोप्लेन खरीद रहा हूँ, अभी एरोप्लेन के अंदर मैं उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, राइट। एक क्या जाता है उस एरोप्लेन के अंदर का, ऑब्वियसली बेसिक इंजन आता है, अब मैं एरोप्लेन के कॉम्पोनेंट्स ले रहा हूँ। दूसरा आपको नहीं लगता, उसके अंदर का आपका जो बाहर का फ्रेम, उसको मेन फ्रेम बोलते हैं, जो बाहर का फ्रेम आता है, फ्रेम उसका बाहर का, उसको अपन सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर आता है एरोप्लेन का, समझ पा रहे थे, जो स्ट्रक्चर आ गया उसको ऊपर का, वो वाला एक असेट आता है। और तीसरा में एक और एक चीज ले लू अगर उसको, और एक चीज दैट इज उसका इंटीरियर। आपको लगता है उसका इंटीरियर में भी बहुत खर्चा किया जाता है, प्लेन के अंदर के जो टेबल चेयर्स होते हैं उसके नीचे भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, नीचे पैराशूट होते हैं, इमरजेंसी, तो दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो जो मैंने एक एरोप्लेन खरीदा 15 करोड़ रुपीज का, उसमें टेक्निकली 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स, आप समझ लो मैं वर्ड यूज करूँ मटेरियल मेजर कॉम्पोनेंट्स, छोटे छोटे तो बहुत सारे होंगे, इतना तो चिंता काम नहीं कर पाएंगे, तो 3, एक बाहर का उसका, एक अंदर का मेन इंजन आ गया, एक बाहर का उसका स्ट्रक्चर आ गया पूरा,
जिसके ऊपर वो लगाया गया है उसके अंदर का जो इंटीरियर्स है, ऊपर अगर आपने देखा रहेगा तो अलग अलग इक्विपमेंट्स भी होते हैं उसके अंदर, आजकल LED TVs भी दिए जाते हैं छोटे छोटे, तो वो सारा अंदर का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी एयरलाइन का प्रीमियम मानी जाएगी जब उसका इंटीरियर उतना लाइविश रहेगा। जैसे आपको पता होगा एक बिजनेस क्लास होता है, एक इकोनॉमिकल क्लास होता है, बिजनेस क्लास में और ज़्यादा फैसिलिटीज होती है, तो इस तरीके का आपका इंटीरियर भी होता है। तो जब मैंने बोइंग से यह सेट खरीदा, मैंने एयरलाइन कंपनी से जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो एरोप्लेन को, उससे जब मैंने एरोप्लेन खरीदा तो मे बी वो इंजन का कॉस्ट 15 करोड़ में से 8 करोड़ मे बी इंजन का कॉस्ट रहा होगा, मे बी बाहर के स्ट्रक्चर का कॉस्ट रहा होगा, से फॉर एग्जाम्पल 6 करोड़ रहा होगा, राइट पक्का। सो आप देख सकते हो 8+6 = 14 एंड मे बी अंदर का जो इंटीरियर रहा रहेगा वो 1 करोड़ का रहा होगा, इज इट इट। तो इस तरीके से मैंने 15 करोड़ रुपीज पे की। तो पहला चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले क्या किया, मैंने देखा कि ये मेरे मटेरियल कंपोनेंट्स। अब मैं इंटीरियर के अंदर चेयर अलग, लाइफ जैकेट अलग, दरवाजे अलग, आप समझ लो मैं उसको अलग अलग नहीं करते बैठ रहा हूँ, या बाहर का उसको फ्रेम के अंदर उसके पंखे अलग, बीच का स्ट्रक्चर अलग, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं जा रहा। मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, उसके मटेरियल कंपोनेंट्स अलग किए। अब मटेरियल कंपोनेंट आने के बाद फिर दूसरा मैंने क्या देखा कि इन कंपोनेंट वाइज कॉस्ट कितना है मेरे को। फिर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं क्या करूँगा, मुझे कॉस्ट मिल गया, अब मैं इनकी क्या एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा, लाइफ। मतलब लाइफ का है मेन मुद्दा जो है, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लाइफ है। तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है यार इंजिन की लाइफ मे बी 10 ईयर्स है, पर उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ मे बी सिर्फ 6 ईयर्स रहे, और मे बी जो उसके अंदर का जो इंटीरियर किया हुआ है उसकी लाइफ मे बी सिर्फ 2 ईयर्स रहे। तो आप समझ पा रहे हो क्या रहा है, मैंने असेट खरीदते वक्त 15 करोड़ पूरा पे किया बट अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के लिए और उसकी लाइफ अलग अलग है। तो जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप एरोप्लेन बोल के एक सिंगल एसेट नहीं रिकॉर्ड करोगे, उसको 3 अलग एसेट तरीके के, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर आ गया, एरोप्लेन का इंजन आ गया, एरोप्लेन का इंटीरियर आ गया, एंड उस बेसिस पे आप उसको अलग अलग पीरियड के लिए डेप्रिशिएट करोगे। थोड़ा बहुत समझना है ये जो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ये शायद किसी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। एक छोटा ट्रेडर हो गया, एक छोटा मैन्युफैक्चरर होगा, मे बी उसके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, बट जो बड़े लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पास कॉम्प्लेक्स मशीनरीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स असेट होते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम का है। अगर आप इसको पुराने वाले लॉजिक से अगर रिलेट करें आपके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आज तक नहीं पढ़ाया गया था, तो आप क्या करते हैं, आप सीधा क्या लेते हैं, एरोप्लेन लेते हैं, एरोप्लेन नाम का एक ही असेट रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, कितने रुपीज का, 15 करोड़ का, डन। और उस 15 करोड़ का एक ही साथ लाइफ में भी शायद इंजन को बेस पर करके आप बोलते लाइफ कितनी आ जाती है, 10 ईयर्स। तो आप बोलते हैं कि यार 15 करोड़ का असेट की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, तो आप एक 1.5 करोड़ एवरी ईयर क्या करते जाते हैं, डिप्रिशिएट करते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या, अगर आप नॉर्मल कोर्स में अकाउंटिंग करते तो, बट आज जो ये नया कॉन्सेप्ट आया है ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग कंपोनेंट वाइज करना है। हेडिंग समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हम रीड करेंगे फिलहाल, बट अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आई रिपीट, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो डिस्कशन मैंने किया, ये सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन है, आपको इसके ऊपर सम्स आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब सम सॉल्व करोगे तो आप रेगुलर जैसे आज तक सम सॉल्व कर रहे हो वैसे ही कर रहे हो, ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट आपके नए सिलेबस में ऐड किया गया है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में अपडेट आया हुआ है। एम आई वेरी क्लियर, बोलूँ मैं आपके, एक बार क्विकली रीड करें, चले बुक सिखाएं फटाक से। स्टार्ट करें, देखें क्या बोलूंगा आपके इसमें। 1.2 हेडिंग आपको मिलेगा, दैट इज कंपोनेंट डेप्रिसिएशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन एसेट। देखिए, इट मे बी नोटेड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द कंपनीज एक्ट 13 रिक्वायर डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन अ कंपोनेंट बेसिस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब अपडेट आए तो कंपनीज एक्ट ने इसको अपडेट किया और बोला कि हम भी मानेंगे, हम भी चाहते हैं कि बड़े बड़े कंपनीज के एसेट जो होते हैं वो कंपोनेंट वाइज डेप्रिशिएट हो। ईच पार्ट ऑफ द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मैं वर्ड पहले ही कह चुका हूँ, फिक्स एसेट्स को आपसे हम PPE कहेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या वर्ड बोला गया, ईच पार्ट ऑफ आइटम ऑफ PPE विथ अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब मटेरियल, ऐसा कॉम्पोनेंट जो क्या है सिग्निफिकेंट, जिसका कॉस्ट मटेरियल है, इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। अगर उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो उसको अपन ने क्या करना चाहिए, अलग से डेप्रिशिएट करना चाहिए।
An enterprise should allocate the amount initially recognized in the respect of the मिला क्या हाँ allocate the amount of initially recognized in respect of an PPE to its significant parts and components and should depreciate each such part separately based on the useful life and residual value of the each particular component. हर एक component का cost अलग से क्या करना चाहिए पहले जिसको मैंने ये किया aeroplane वाला example में लेके किया समझना है ऐसा एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ में कहाँ मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी में भी मिलेगा समझो एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके पास बहुत बड़ा मशीनरी है तो जो एक बड़ा मशीनरी है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर बड़ा मशीनरी बनता है तो आपको लगता है उसके छोटे छोटे पार्ट जो होंगे जैसे आपको मैंने कहा था आप डिस्कवरी चैनल पर देखते हो नेट जियो पर देखते हो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग चलता है बहुत बड़े प्रोसेस भाई रॉ मटेरियल डाला जाता है फिर एकदम लाइन मशीन्स होती हैं एक साथ लिंक में काम करती हैं दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्लांट तो आप रॉ मटेरियल डालते हो तो एक पार्ट होता है जहाँ पे उस रॉ मटेरियल की मेबी कटिंग होती रहेगी फिर वो रॉ मटेरियल आगे जाके एक जगह पे शायद में भी वो उसको रोलिंग होता रहेगा फिर उसका अगले लेवल पे जाके उसका वॉशिंग होता रहेगा तो जो कटिंग मशीन है वो एक अलग मशीन है रोलिंग मशीन जो उसको प्रेस करता रहेगा मे बी वो एक अलग मशीन है वॉशिंग मशीन जो उसको वॉश करता रहेगा वो एक अलग मशीन हो गया फिर एक ड्रायर होता होगा जो उसको सुखाता होगा फिर एक और एक कुछ प्लेट होती रहेगी जिसमें वो लिंक में लगता रहेगा सो इट्स अ सीरीज ऑफ मशीनरीज है विच इज कॉल्ड एज अ प्लांट एज टुगेदर राइट तो अब देखो लगता है जो ड्राइंग मशीन था जो कटिंग मशीन था राइट जो वॉशिंग था ये सारे मशीन्स की अपनी अपनी लाइफ अलग हो सकती सो पहले क्या होता था अब उस पूरे प्लांट को एक सिंगल एसेट कह देते थे प्लांट एंड मशीनरी कहकर और उसको एक ही पर्टिकुलर पीरियड के लिए डेप्रिशिएट करते थे अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तेरे वो जो बड़े प्लांट में छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं बट वो मटेरियल है सिग्निफिकेंट है तो उनको अलग कर उनकी कॉस्ट अलग एसरटेन कर आइडेंटिफाई कर उसकी लाइफ अलग ढूंढ उसकी रेसिडेंट वैल्यू अलग ढूंढ उसको उस हिसाब से डेप्रिशिएट कर अलग से इज़न्ट इट सो स्वीट लॉजिकल है ना बढ़ू आगे देखो उन्होंने वही एग्जाम्पल जो ब्रेन वाला मैंने डिस्कस किया है आगे समझो फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच एन एसेट द एयर फ्रेम दैट इज अ बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट माने मेन फ्रेम या फिर स्ट्रक्चर कहा आप लोगों का वो क्या है आप लोगों का बॉडी पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट कहते हैं इंजिन एंड द इंटीरियर्स मिला क्या आपके साथ हैव डिफरेंट इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ मिला क्या इफ द लाइफ ऑफ द एयर फ्रेम बींग द लॉन्गेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ द थ्री मेजर types of component is taken as a life of the aircraft जैसे मैंने यहाँ पे example बोले airframe का जो frame उसकी life कम ही हुई है but practical है बस वो समझाने के लिए मैंने लिया कि इसकी value ज़्यादा रहती है उस हिसाब से लिया पर जो frame होती है इसकी life सबसे ज़्यादा होती है और engine की life comparatively कम होती है तो practically this may not be correct but समझाने के लिए मैंने बताया right तो क्या बोले वहाँ पर coming back to the point if the life of the airframe being the longest of the individual life of the three major types of the component is taken as the life of the aircraft It is important that other two components, that is engine and interior, are depreciated over their respective useful life and not over the life of the airframe. हम normally क्या करते हैं? जो longest period रहता है, उसी को पूरे asset का life पकड़ देते हैं. पर अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा. Other components, usually small and low value, which will require replacement very frequently, may be depreciated over the useful life of the airframe. जो सबसे longest time वाला है, छोटे-छोटे component को उसमें add करते हैं. जैसे मैं truck में कहा था. ट्रक में इंजन का लाइफ सबसे ज्यादा था तो मे बी इंजन की वैल्यू 27 मैक्स नहीं होगी और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे तो उसको मैंने इंजन की वैल्यू में ऐड कर दिया मानता है क्या तू पक्का चलो बढ़ू आगे हियर राइट हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पार्ट ऑफ द पीपीई टू बी आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट कंपोनेंट शुड हैव बोथ अगर कोई भी कंपोनेंट कोई भी पार्ट को एक अलग कंपोनेंट अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें निम्नलिखित नीचे दिए गए दो फीचर्स होने चाहिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट व्हेन कंपेयर्ड टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई वर्ड समझिए सिर्फ सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द एसेट पीपीई जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया पेन का वैल्यू ₹10 था ₹10 में ₹3 का रिफिल इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट बड़ा वैल्यू होता है 30% वैल्यू होता है अगर आप समझ पाए वैसे ही मैंने आपको कहा था कि आपकी ट्रक 30 lakhs की थी 30 lakhs के ट्रक में ₹30,000 की हेडलाइट्स समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ तो वो 1% हो गया पूरे 30 lakhs का 1% है 30,000 तो 30 lakhs के ट्रक में से 1% वैल्यू की अगर उसकी हेडलाइट्स है तो वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है क्यों सिर्फ आप वैल्यू को नहीं दे सकती हो कंपेयर द वैल्यू विद द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द एसेट उस कॉम्पोनेंट के वैल्यू को
टोटल असेट के कॉस्ट के रिलेशन पे समझना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बड़ू तो पहला पॉइंट, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए उसका कॉस्ट एज कम्पेयर टू ओवरऑल कॉस्ट। दूसरा पॉइंट होना चाहिए एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पीपीई। एस्टिमेटेड लाइफ उसकी अलग होनी चाहिए या डेप्रिसिएशन मेथड उसका अलग होना चाहिए। मतलब क्या, मे बी इसके लिए सिंपल एग्जांपल आप लोगों के इंजन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड एक सही मेथड होता रहेगा, तो मे बी इंटीरियर्स के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड ज्यादा सही है। अगर ये लॉजिकली करेक्ट है तो भी वो कंपोनेंट अलग ट्रीट होना चाहिए क्योंकि दोनों के मेथड अलग चार्ज होनी चाहिए। या फिर मेन पॉइंट है दोनों के बीच का क्या इंपॉर्टेंट है, अलग क्या होना चाहिए, लाइफ अलग होनी चाहिए। वेरी क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। चलो, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ पीपीई हैव अ यूजफुल लाइफ एंड अ डेप्रिसिएशन मेथड मिला क्या दैट आर द सेम एज द यूजफुल, सेम बोल रहा है सेम एज द यूजफुल लाइफ एंड अ डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सेम आइटम, सच पार्ट्स मे बी ग्रुप्ड इन डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन। समझो आपने चार पांच कंपोनेंट्स निकाले, चार पांच कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ भी सेम आ रही है और जिनका शायद मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम हो रहा है, तो हम उसको भले अलग कंपोनेंट पहले कर लेंगे बट बाद में उसको ग्रुप करके एक सिंगल एसेट ट्रीट करके उसको डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उसकी लाइफ भी सेम है। बरोबर क्या, या मेथड जो उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए वो सेम है। एम आई वेरी क्लियर, ये समझ में आ रहा है क्या, पक्का? अगर वापस रीड कर लें क्विकली, चलें फास्ट। सो हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन, आप समझ पा रहे हैं डेप्रिसिएशन और कंपोनेंट, ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने कहा है। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करना चाहूंगा अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले किया हुआ बट विल क्विकली थोड़ा उसके अंदर की इंटेलिजेंसी समझेंगे 5 मिनट्स के अंदर क्विकली। बेटा होता क्या था, बैकग्राउंड समझो 2 मिनट का। यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को क्यों रिवाइज किया गया, 2 मिनट समझे। हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे थे, फिर आए इंडेस। मैंने इसके ऊपर आपके साथ पहले डिस्कशन कर लिया है, हमारे इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर 1 के चैप्टर है उसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट। इंडेस जब हमारे इंडिया में आए, इंडेस वाज नथिंग बट कन्वर्ज्ड IFRS। कहां से आए थे इंडेस हमारे देश में, जब हमारी कंट्री ने एक्सेप्ट किया था कि हम हमारे कंट्री मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री ने एक्सेप्ट किया था कि हम क्या एप्लीकेबल करेंगे IFRS, बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग IFRS वी कन्वर्ज्ड टू IFRS, याद आ रहा है सब कुछ। और हमने IFRS को डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया, तो हमने घुमाकर IFRS को अप्लाई किया, हमने IFRS को मॉडिफाई किया और हमारे जैसे स्टैंडर्ड्स बनाए जिसका नाम है IFRS। आप सबको पता है IFRS एप्लीकेबल किसको है, कॉर्पोरेट एंटिटीज को, जो कंपनीज है उनको क्या एप्लीकेबल है इंडियस, धीरे धीरे करके अप्लाई हो रहा है। 1 अप्रैल 2016 से फेज्ड एप्लीकेशन मैंने बताया हुआ है आपको, एक एक कंपनीज को अप्लाई होना शुरू हुआ और एज ऑफ नाउ मेजोरिटी कंपनीज को एप्लीकेबल हो चुका है। NBFCs को भी इस साल से होने वाला था तो उनको भी हो गया है फाइनली। तो 98% सभी कंपनीज को क्या एप्लीकेबल हो गया है IFRS। तो जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज थी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में क्या आते हैं आपके सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, उन सबको क्या एप्लीकेबल है पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ये पुराने रूल्स वाले थे जो इंडिया में फॉलो हो रहे थे, राइट। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इतनी बुरी नजरों से देखने की जरूरत नहीं, इतने खराब नहीं है। ये बनाते वक्त ही हमने ऑलरेडी जो हमारे कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते वक्त ही हमने इंटरनेशनल लेवल से मैच करने के हिसाब से ही बनाए थे, तो दे आर नॉट दैट बैड, इतने खराब नहीं है, बट वो है अच्छे। बट ऑब्वियसली द मॉडिफाइड वर्जन इज टुडेस IFRS जिसे हमने अडैप्ट करके क्या बनाया, IND-AS बनाया। ये सबको पता होगा, मैंने डिस्कस पहले से किया होगा। अब स्टोरी समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको एप्लीकेबल है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल एप्लीकेबल किसको नहीं है, कंपनीज को आज के डेट में। अगले साल से तो कंपल्सरी सारी कंपनीज इसमें आ जाएंगी, इंडेस में आ जाएंगी, एक भी कंपनी, एक भी कैटेगरी ऑफ कंपनी नहीं बचेगी जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है। अब मुद्दा समझ, बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब अप्लाई हो रहे थे तो अब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पुराने एज इट इज रखे गए,
याद आ रही है पक्का सच्ची डन। तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे रखे गए, पुराने जैसे थे अपने वैसे ही रखे गए थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं लाए गए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाए गए, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज इट इज जो पुराने थे। बट हमारे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब हम क्या करते हैं, या इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूट उन्होंने डिसाइड किया कि इंडेस ठीक है पुराने रूल से चलने दो, सॉरी एस पुराने रूल से चलने दो, इंडेस नए रूल से हम वो अडॉप्ट करेंगे। पर उनको ऐसा लगा कि एक ऐसा एरिया है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट, एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर आपने क्या करना चाहिए, समझ लो बेटे, जिसके ऊपर आपने क्या करना चाहिए, आपने इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फॉर्म्स इन सबको भी इंडेस जैसे रूल्स अप्लाई करने चाहिए। वो एरिया था फिक्स्ड असेट्स के अकाउंटिंग का और डिप्रिसिएशन का। उनका ये मानना था कि फिक्स असेट्स एंड डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग सभी लोग इवन जो पुरानी रूल्स जो है उनको भी चेंज करके सभी लोगों को मतलब कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज सबको हमने नए वाले रूल्स अप्लाई करने चाहिए। इस मोटिव से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को डिलीट कर दिया गया, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, वो हटा दिया गया, वो डिलीट हो गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स नाम का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, उसको अमेंड किया गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नया नाम आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। मतलब दो मिनट समझ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डिलीट किया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डिलीट करके कहां लिया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर उसके रूल्स लिए गए। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पहले सिर्फ किसके बारे में बोला जाता था, फिक्स असेट की अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में क्या बोला जाता है उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन क्या होगा वो बताया जाता था, समझ में आ रहा है। बट अब जब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बनाया गया उसमें दोनों चीजें आ गई, फिक्स असेट्स की अकाउंटिंग के भी बारे में बोला गया प्लस डिप्रिसिएशन भी, इसमें दोनों रूल्स इंक्लूड कर दिए गए, फिक्स असेट प्लस डिप्रिसिएशन, और ये भी रूल्स एज पर क्या है इंडियस है। इन शॉर्ट नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो इंडियस के रूल्स के हिसाब से, इंडियस का क्या नंबर है उस सब में नहीं पढ़ रहा हूँ, बट इंडियस के रूल्स के हिसाब से है वो चीज। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी पुराने हैं, एक्सेप्ट एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच इज वेरी मच सिमिलर टू विच इज इन लाइन विद इंड एस के रूल्स रिगार्डिंग फिक्स असेट एंड डेप्रिसिएशन। तो जो रूल्स फिक्स असेट्स और डेप्रिसिएशन के नए इंड एस में है आज वही रूल्स कहां एप्लीकेबल हो पा रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये समझ में आ रहा है, मतलब ये ऐसा हो गया, ये समवट ऐसा हो गया, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पुराने घर में मतलब एक घर था जहाँ पे मम्मी पापा और बेटा तीनों रहते थे, बेटे ने शादी करके अपना अलग घर कर लिया, नया रिनोवेटेड एकदम नए कॉम्प्लेक्स में उसने घर लिया, तो बेटा अपनी वाइफ के साथ नए घर में रह रहा था, किधर इंडेस, घर वाले पुराने किधर रह रहे थे, पुराने इसमें किधर एस में जुड़े पुराने घर में, बट बेटे ने कम से कम एक काम किया कि नए जो पुराने घर था अपने पेरेंट्स का उस घर के अंदर एटलीस्ट उसने टीवी नया वाला लाके रख दिया है। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि उसने अपने घर पे जो नया टीवी लिया था सेम दो मॉडल मंगाया, अपने घर में भी वही टीवी रखा और पुराने घर पे, घर पुराना है उसका, मम्मी पापा जिस घर में रहे हो घर पूरा पुराना है बट उसमें टीवी एज इट इज नया है, जो उसके खुद की भी नए घर में जैसा टीवी है। मतलब ये इंडेस पूरा नया घर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराना एंटायर पुराना घर है, बट उन दोनों में एक चीज नई है, सेम है और वो भी नहीं न्यू है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी नहीं बोलूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इधर नंबर अलग है इधर नंबर अलग है, इंडेस के नंबरिंग अलग चलता है, बट दैट इज फिक्स्ड असेट्स और डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ में आ रहा है क्या, मतलब नया फिक्स असेट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया हुआ है, मतलब पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नया अपडेट आया हुआ है, इट इज इन लाइन विद इंडेस। एम आई वेरी क्लियर? इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, जैसे एक मसाला पूरी भी अगर मैं इसके अंदर दूँ तो आपको पता चलेगा कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते थे, पहले समझते हैं थोड़ा और मसाला पूरी देता हूँ डिटेल में, आ जाए चलेगा, चले देखते बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। होता ये था कि पहले AS 6 मैंने आपको कहा डेप्रिसिएशन के बारे में होता था, AS 10 फिक्स असेट्स के बारे में होता था, बराबर, और AS 26 इज फॉर इनटैंजिबल असेट्स, AS 26 इज फॉर इनटैंजिबल असेट्स। अब मजा समझ क्या होता है,
मजा से मतलब थोड़ा मैं और डिटेल में बता रहा A6 was depreciation, A10 was fixed asset. बेटा A10 भले fixed assets का था, अच्छे से बात समझा, A10 भले fixed assets के बारे में होता था, but fixed assets में भी वो सिर्फ tangible asset की बात थी. Actually AS10 का नाम जो था ना वो खुद contradictory था. समझिए चेंज क्यों लाया गया, ऐसा क्यों करना पड़ा. वो सुनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो था फिक्स एसेट्स, उसके अंदर डेल्ट विद ओनली टैंजिबल एसेट्स. भले नाम क्या था फिर, पर आपको पता है फिक्स एसेट के अंदर दोनों आते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. पर ऐसा नहीं था, इनटैंजिबल के लिए हमने अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, एक अलग स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किसके लिए, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए. क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे? तो इनटैंजिबल एसेट का अलग पूरा, इनटैंजिबल एसेट का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अलग था, अलग से था पूरा इनटैंजिबल एसेट्स का, समझ में आ रहा. और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था जिसका नाम क्या दिया गया था, फिक्स एसेट्स, तो नाम गलत था क्योंकि फिक्स एसेट्स नहीं था वो, अकाउंटिंग फॉर क्या दिखाता था, टैंजिबल एसेट्स. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो था वो किससे रिगार्डिंग था बेटा, डेप्रिसिएशन पर. तो डेप्रिसिएशन किसका लेता था, टैंजिबल एसेट्स का. मतलब इनटैंजिबल एसेट का अकाउंटिंग और इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर का डेप्रिसिएशन, जिसको हमने पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन में, क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन. एकदम सही पकड़ा. तो इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग प्लस उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन, मतलब अमोर्टाइजेशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था पूरा अलग से, सॉरी कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, 26 अलग से. और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ये दोनों किसके लिए थे, टैंजिबल एसेट के लिए. तो आपको लगता है दो चीजें गलत हो रही थी, पहला नाम में मुझे कंप्लेन था. अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में सिर्फ टैंजिबल एसेट की अकाउंटिंग सिखा रहे हो तो उसको फिक्स एसेट नाम देना गलत हो जाता है, क्योंकि फिक्स एसेट वर्ड से पढ़कर हमें लगता है, क्योंकि फिक्स एसेट इज अ ब्रॉडर हेडिंग व्हिच इंक्लूड्स टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल. तो पहला मुझे जो कंप्लेन था, जो गलत हो रहा था, पहली बात वो ये थी कि इसका नाम गलत था. दूसरी चीज, व्हाई शुड टैंजिबल एसेट हैव ऑल द फन, क्यों टैंजिबल एसेट के लिए दो दो स्टैंडर्ड्स, मतलब एक स्टैंडर्ड टैंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाएगा सॉरी और एक स्टैंडर्ड टैंजिबल एसेट की अकाउंटिंग सिखाएगा. मतलब तुमने इतना भाव, इतनी इज्जत किसको देके रखी, टैंजिबल एसेट को, इतना सर पे चढ़ा के रखा टैंजिबल एसेट को कि दो दो चीज स्टैंडर्ड उसके लिए खास अलग, प्राइवेट एक्सक्लूसिव पर्सनल. और बेचारा मासूम इनटैंजिबल एसेट ने क्या गलती की, उसके लिए एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फूट फूट के रोया बेचारा, एक ही स्टैंडर्ड. इसीलिए पहली चीज हमने नाम चेंज किया फिक्स एसेट का. अब हमें पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम फिक्स एसेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टैंजिबल एसेट. अब दो मिनट समझे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में टैंजिबल एसेट को कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में टैंजिबल एसेट को कहा जाता है PPE. भले मैं यहाँ पे बार बार वर्ड यूज करूंगा फिक्स एसेट, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट फिक्स एसेट, इट्स अ टैंजिबल एसेट. मसाला पूरी है आपके लेवल के लिए, इतना जरूरी नहीं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ. इवन तो फाउंडेशन लेवल पे इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल का डिस्कशन है, पर फिर भी मसाला पूरी के हिसाब से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का जो नाम है PPE, प्रॉपर्टी, बोलना आगे क्या है, प्लांट एंड रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग आगे, प्लांट मशीनरीज वगैरह सब आगे, इक्विपमेंट में फर्नीचर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीजें इक्विपमेंट आगे, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करते. प्लांट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट्स आर सपोर्टिंग थिंग्स, जो इक्विपमेंट आते हैं. तो ये तीनों चीजें, मोटर व्हीकल्स वगैरह, ये सब चीज में इक्विपमेंट्स में आगे. तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो नाम दिया गया है, इट इज नथिंग बट इट मीन्स टैंजिबल एसेट. बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो पहले किसके लिए था, सिर्फ टैंजिबल एसेट के लिए, तो अब हमने उसका नाम सुधारा और हमने नए स्टैंडर्ड में क्या किया, इसका नाम क्या दे दिया, जो मैं इधर लिख चुका ऑलरेडी, हमने इसका नाम क्या कर दिया, PPE. तो पहली गलती हमने सुधार ली, हमने नाम करेक्ट कर दिया, राइट. क्या दूसरी चीज, हमने इधर से डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था वो पूरा डिलीट कर दिया, क्योंकि ये रोया ना बेचारा, कौन, इंटेंजिबल एसेट, बहुत फूट फूट के रोया. तो उसकी वो गलती रिकवर करने के लिए, वो गलती मिस्टेक जो हो गई थी हमसे कि दो दो स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ एक ही. जैसे अब इन शॉर्ट ऐसा हो गया,
टेंजिबल एसेट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 10, जो टेंजिबल एसेट मतलब पीपीई का क्या यूज करता है अकाउंटिंग में, प्लस उसके ऊपर का क्या डेप्रिसिएशन भी उसी स्टैंडर्ड में बोला गया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे डील करता है, इनटेंजिबल एसेट, और इनटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन भी उसी एक स्टैंडर्ड में कवर किया गया है, तो दोनों एसेट्स के लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन गए। लॉजिक समझ में आ रहा है, बेटर है, मसाला पूरी, मजा आया, आई होप यू विथ मी, राइट। देखो समझोगे ना बहुत मजा आएगा, समझ के चलोगे ना बहुत मजा आएगा, डन।